अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आया तहां जी दोस्त ऐं तहां जी होस्ट फ़ाइज़ा कुरैशी। अॼु असां मौजूदु आहियूं मिराकी सैलून ते ऐं अॼु तव्हांजे लाइ असां हिकु भरपूर हिकु सुठो प्रोग्राम खणी आया आहियूं, जंहिंमें तव्हां कुझु सिखी बि सघो था ऐं बल्कि तव्हां इहो प्रोग्राम ॾिसी बि सघंदव आवाज़ टीवी ते। ऐं अॼु असां मौजूदु आहियूं मिराकी ब्यूटी सैलून ते। उन्हनि छोकिरियुनि जे लाइ स्पेशली इहे प्रोग्राम आहे जेके कॉन्शियस हूंदियूं आहिनि पंहिंजी स्किन खां, त उहे परेशान हूंदियूं आहिनि त असां कीअं फेशियल कयूं, कीअं मेकअप अप्लाई कयूं, या उहे पार्लर नथी वञी सघनि, या पंहिंजी लाइफ में इलाही बिज़ी हूंदियूं आहिनि। त उन्हनि जे लाइ मिराकी सैलून ते अॼु तव्हांखे असां सेखारींदासीं बि ऐं तव्हांखे ॾेखारींदासीं बि त कीअं तव्हांखे फेशियल अप्लाई करणु खपे या तव्हां कीअं फेशियल वठो। ऐं स्पेशली मिराकी सैलून ते जेके प्रोडक्ट्स था इस्तेमालु थियनि उन्हनि जे बारे में बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त तव्हां कीअं उन्हनि खे अप्लाई कयो ऐं उहे केतिरा तव्हांजी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि। ऐं उन्हनि छोकिरियुनि जे लाइ जेके ॿाहिरि जॉब कंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजी स्किन खां इलाही परेशान हूंदियूं आहिनि त उन्हनि खे छा करणु खपे, ऐं मिराकी सैलून ते असां तव्हांखे इहो बि ॾेखारींदासीं त तव्हांखे फेशियल कीअं अप्लाई करणु खपे। जेके घर में छोकिरियूं फेशियल कंदियूं आहिनि त उहे फेशियल त करे वठंदियूं आहिनि लेकिन स्टेप्स सही अप्लाई न कंदियूं आहिनि, त मिराकी सैलून ते अॼु तव्हांखे असां इहो बि ॾेखारींदासीं त तव्हांखे फेशियल कीअं अप्लाई करणु खपे। ऐं हलूं था असां हाणे पंहिंजी मॉडल जी तरफ़ ऐं तव्हांखे सेखारियूं था त फेशियल कीअं अप्लाई थींदो आहे। असां ॾिसंदासीं त असांजी मिराकी सैलून जी जेकी स्किन स्पेशलिस्ट आहे उहा फेशियल कीअं थी अप्लाई करे। जी नाज़रीन, मां मौजूदु आहियां मिराकी सैलून में ऐं मां वञी रही आहियां मिराकी स्पा रूम में जिते फेशियल थी रहियो आहे। ऐं मां घणी एक्साइटेड आहियां ऐं तव्हां बि एक्साइटेड हूंदव त इन एक्साइटमेंट खे जल्दी ख़तमु था कयूं ऐं ॾिसूं था त फेशियल कीअं थींदो आहे। जी नाज़रीन, मां मौजूदु आहियां हिन वक़्तु फेशियल रूम में जिते फेशियल हाणे थींदो ऐं असां सां गॾु मौजूदु आहे सबीता। ऐं सबीता खां पुछंदासीं बि त हूअ कीअं फेशियल कंदियूं आहिनि ऐं हुननि जो तरीक़ेकार छा आहे, त सबीता खां अॻु में असां हुननि जो हाल अहिवाल वठंदासीं पोइ पंहिंजो फेशियल स्टार्ट कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग आपके मिराकी सैलून में आए हैं और हम आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि फेशियल किस तरह से होता है, क्योंकि वो घर में होती हैं तो घर में तो बंदा जो है वो उनको पता नहीं चलता कि किस तरह से हमें फेशियल लेना चाहिए। तो आप जो है किस तरह से फेशियल अप्लाई करते हैं, हम आपसे बहुत सारी आज बातें करेंगे। और आए नाज़रीन, असां सां गॾु असांजी मॉडल निदा अली भी मौजूदु आहे जिन ते असां अॼु फेशियल बि अप्लाई कंदासीं। त देरि नथा कयूं ऐं जल्दी सां फेशियल स्टार्ट था कयूं। त सबीता, सबसे पहले फेशियल में आप क्या अप्लाई करती हैं, क्या करती हैं फेशियल में? सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है उसकी स्किन को बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि उनकी स्किन का क्या मसला है, उनकी स्किन ड्राई है या ऑयली है या पिगमेंटेशन है, एक्नी है, जो भी प्रॉब्लम है उसी के मुताबिक उसी के ट्रीटमेंट के लिए हमें फेशियल। और फेशियल में भी तो बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, लाइक वाइटनिंग होता है, डबल वाइटनिंग फेशियल जी वो भी होते हैं। हाँ। लेकिन ये चीज़ें सारी जब होती हैं तो इसी को हमने देखना होता है कि आया कि इनकी स्किन पे क्या जाएगा, कि जो हमें इनकी स्किन का सही ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए जो रिजल्ट भी आए। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि क्लाइंट्स फेशियल करवाने के लिए जाते हैं और उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो उनको चाहिए। वो सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वाइटनिंग। बिल्कुल नाज़रीन, ये हूँ आए असांजी जी स्किन आहे मौसम के हिसाब से भी कदें ड्राई होंगी है तो कदें ऑयली थी वेंदी है। तो बिल्कुल फेशियल जो का स्किन दिसण का पोई यो डिसाइड तो करे सके तो उनते केड़ो फेशियल अप्लाई करण घुर्जे। तो असा निदा अली मौजूद आए, आप इनकी स्किन देख के बताएं कि इन पे क्या जो है क्या प्रॉब्लम्स हैं या कौन से फेशियल इन पे आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते और आज हम सीख कर जाएंगे कि फेशियल के किस कितने स्टेप्स हैं और किस तरह से फेशियल आप अप्लाई करती हैं। इनकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, और लेकिन इनकी स्किन में ब्लैक हेड्स हैं। तो इसमें हम इनको वाइटनिंग फेशियल देंगे क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी ग्लो करे, और क्योंकि ना तो ड्राई है हम हाइड्रा की तरफ जा सकते हैं, ना इनकी स्किन ऑयली है, ना ऑयल कंट्रोल के लिए की तरफ जा सकते हैं, तो हमें इनके ब्लैक हेड्स भी रिमूव करने हैं। लेकिन आजकल हम ज़्यादा फोकस इस पर नहीं कर रहे स्टीमर पे, क्योंकि स्टीमर जो है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ स्किन। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि नॉर्मल जो है विंटर में भी ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, लेकिन हर किसी की स्किन पे
अच्छा स्किन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल स्किन पे डिपेंड करता हुआ है तो जो को आता है स्टीम वठो था खा। अच्छा पता है आपको हम लोग खास तौर पे जो है सब जुकाम वगैरह के लिए भी स्टीम लेते हैं कि वो सर में दर्द होता है तो स्टीम लेते, तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि हमको हमें स्किन देख के लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं अगर सर में दर्द हो तो फिर स्टीम लेनी चाहिए या नहीं? उसके लिए तो लेनी चाहिए। अच्छा हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, अब आप फेशियल हमें दिखाएं भी और सिखाएं भी कि आप कैसे फेशियल अप्लाई करें। सबसे पहले आप क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम क्लिनजिंग करेंगे, लेकिन वो भी हम डबल क्लिनजिंग इसलिए करेंगे, डबल क्लिनजिंग करेंगे इसलिए कि पहली क्लिनजिंग हम 5 मिनट के लिए करेंगे, क्योंकि हमारी स्किन की जितनी भी ड्राइनेस है, जितनी भी हमारी स्किन का ऑयल है, वो सारी चीजें नीट हो जाएं। उसके बाद हम डीप क्लींस करेंगे, मतलब क्लीन हो जाए वो जी, क्लीन हो जाए सही। और इससे पहले हम सबसे पहले जो है इसका हम मेकअप रिमूवर यूज करेंगे, मेकअप या कुछ भी चीज़ों को रिमूव हो जाए, उसके बाद डबल क्लींस। अच्छा नाजरीन सभी का पहरा जो आए था फेशियल में सभी था बुधायो तो क्लींजिंग अस अप्लाई कयूं था आए हुआ जो क्या है तो हाँ मॉडल के क्लींजिंग अप्लाई करे रही आई वो इन करे तो असा जो मेकअप कंदा आयूं मेकअप जो है क्लींजिंग का रिमूव थी वेंदो या बाहर वेंदा आयूं तो असांखे इलाही डस्टिंग थींदी आहे त मां इहो बि चवणु चाहींदमि त तव्हां जेके घर में ख़वातीन आहियो छोकिरियूं आहियो तव्हां कॉलेज था वञो जॉब ते था वञो त तव्हांजे लाइ क्लींजिंग वठणु बिल्कुलु लाज़मी आहे ऐं वीकली बल्कि मां चवंदमि त डेली नाइट में राति जो तव्हां क्लींजिंग वठंदा कयो। जी सबीता आप जो है अब क्लींजिंग अप्लाई कर रही आहियो? सबसे पहले हम मेकअप रिमूवर करेंगे, मेकअप रिमूवर ठीक है। अच्छा नाज़रीन तव्हां हाणे ॾिसो था त मेकअप रिमूव थो थिए ऐं मेकअप रिमूव खां पोइ जेको आहे त असां क्लींजिंग अप्लाई कंदासीं। सबिता बि ॿुधायो ऐं मां पहिरां बि ॿुधायो त क्लींजिंग असांखे डेली अप्लाई करणु खपे ऐं छो जे करे असां ॿाहिरि था वञूं असांजी स्किन डस्ट थी वेंदो आहे त क्लींजिंग सां इहो आहे त तव्हांजो डस्ट बि रिमूव थींदो आहे ऐं जेके असांजूं ख़वातीन आहिनि घर में मानी पचाईंदियूं आहिनि या ॿिया थोरा सारा कम कंदियूं आहिनि त उन्हनि जी स्किन बि डल थी वेंदी आहे छो जे करे असां घर में थोरा सारा कम बि कंदा आहियूं त क्लींजिंग जेको आहे तव्हांखे मोस्टली अप्लाई करणु खपे ऐं हिन वक़्तु मेकअप रिमूवर असां अप्लाई कयूं था ऐं उनखां बाद क्लींजिंग मेकअप रिमूव हो गया दिखाएंगी ये कॉटन। हाँ हमारे नाजरीन को भी देखना चाहिए तो ऐसो तो मेकअप रिमूवर से केडो इफेक्ट तो पे तो जड़ी अस मेकअप रिमूवर यूज था क्यों तो गडो गड मेकअप रिमूव भी थे तो असि क्लींजिंग भी थे थी। अच्छा सबिता इसके बाद क्या अप्लाई करेंगी आप? इसके बाद हम 5 मिनट के लिए पहले क्लींस करेंगे, उसके बाद हम डीप क्लींस 10 मिनट के लिए। 10 मिनट्स के लिए। अच्छा मोस्टली जो घर में होती हैं खवातीन तो कोई ऐसा हर्बल फेशियल हो जो आप बताएं कि क्योंकि वो बिजी होती हैं जॉब्स वगैरह में, क्योंकि हमारी माएँ भी हैं उनको भी उनकी भी स्किन है उनको भी अपनी केयर करनी चाहिए, हाउस होल्ड में होती हैं हाउस वाइफ है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको कौन सा ऐसा हर्बल फेशियल घर पर जो अप्लाई कर सकें? उनको हम सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि जो हमारी लेडीज घर पे होती हैं उनको इन चीज़ों का भी नहीं पता होता कि वो एक चीज़ को ही यूज़ करता है जबकि उनकी स्किन ड्राई होती है तो उनको वो बहुत सूट करती है वो चीज़, क्योंकि उनकी वो स्पेशल ड्राई स्किन की चीज़ होती है और वो इसी तरह कहती हैं कि ये हम भी यूज़ कर लें लेकिन उनकी स्किन पर वो रिजल्ट नहीं आता। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि अपनी स्किन को देखें कि ड्राई है या ऑयली है, उसी के मुताबिक अगर ड्राई स्किन है तो उस पर हम जो घर पे हम यूज कर सकते हैं हम बेसन लें, बेसन के अंदर जैसे फ्रेश दूध की मिलाई होती है। अच्छा घर में मतलब बंदा पकाते पकाते लगा भी लेना क्योंकि अच्छा नाज़रीन तव्हांखे ख़बर आहे त फ्रूट्स असां फ्रूट्स खाईंदा बि आहियूं, फ्रूट्स बि स्किन जे लाइ खोड़ सारा इफेक्टिव आहिनि त पाणी वधि खां वधि पीओ ऐं पाणी पीअण सां असांजी स्किन ग्लोइंग थींदी आहे ऐं फ्रूट्स जेके तव्हां फ्रूट पंहिंजी रुटीन में इस्तेमालु कयो था रुटीन में विंटर में जेको आहे त खोड़ सारा फ्रूट्स आहिनि ऐं हिन सीज़न में त नारंगी बि आहे त इहा मां तव्हां सां टिप शेयर कंदमि त नारंगी जी खल जेकी आहे उनखे तव्हां उनजो पाउडर ठाहियो ऐं उहो पाउडर रोज़ वाटर में बि तव्हां अप्लाई करे था सघो त तव्हांजी जेकी ड्राई स्किन आहे उहा नॉर्मल स्किन थी वेंदी। इहा हिकिड़ी सुठी टिप आहे ऐं जीअं त हाणे सबिता बि क्लींजिंग कर रही है, हाँ क्लींजिंग अप्लाई करे थी। अच्छा कितने स्टेप्स होते हैं फेशियल के? फेशियल के 5-6 स्टेप्स होते हैं, मतलब क्लींजिंग है, क्लींजिंग के बाद क्लींजिंग जैसे कि हम सेकंड टाइम करते हैं, फर्स्ट टाइम तो हम करते हैं नॉर्मल क्लींजिंग, उसके बाद थोड़ा सा डीप क्लींज करते हैं कि डीप क्लींज करने के बाद हम एक्सफोलिएटर यूज करते हैं
उसके बाद ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करके उसके बाद टोनर टोनर लगा के हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. वो इसलिए कि स्किन में पेनिट्रेट हो उस टोनर, और जो हमारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स मूव होते हैं उसमें हमारी स्किन के पोर्स थोड़े से लार्ज हो जाते हैं, तो उनको ये स्मॉल करने के लिए हेल्प करता है जो टोनर होता है. टोनर का मेन काम ये होता है. अच्छा नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे जेके जॉब कंदियूं आहिनि छोकिरियूं या ॿाहिरि वेंदियूं आहिनि त उन्हनि खे हेडेक बि घणो थींदो आहे. अगरि तव्हां फेशियल वठो था त उन सां तव्हांजी बॉडी बि रिलेक्स थींदी आहे ऐं तव्हांजी थकावट बि दूरि थींदी आहे. ऐं मां त इहो ई चाहींदमि त तव्हांखे मोस्टली 1 month में त फेशियल ज़रूरु वठणु खपे, ऐं अगरि तव्हां फेशियल नथा वठो त घर में तव्हांखे क्लींज़िंग ज़रूरु करणु खपे, छो जे करे असांजो बॉडी स्ट्रेस थी वेंदो आहे. ऐं फेशियल खां बाद उहे ख़वातीन जेके फेशियल वठनि हूंदियूं त उहे बिल्कुल रिलैक्स फील कंदियूं आहिनि. मैं सही कह रही हूं ना, क्योंकि हम जब फेशियल लेते हैं फेशियल लेने के बाद जो है हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं. तो इस पे आप क्या कहेंगी कि क्या वाकई ऐसा रिलैक्सेशन होती है? क्योंकि फेशियल में भी जब हमारा एंड में भी मसाज होता है, फेशियल जो होता है ये टेक्निक ऐसी होती है कि इसमें बहुत रिलैक्स मिल रहा होता है. अच्छा, और जो हमारा पैली क्लींजिंग का रिजल्ट है देखो तो 5 मिनट्स. अच्छा, इससे क्या मतलब डस्टिंग रिमूव हो रही है क्लींजिंग से? अब हम इसी क्लींजिंग को 10 मिनट के लिए करेंगे. अच्छा, दोबारा से डीप क्लीन करेंगे. डीप क्लीन का मतलब क्या मतलब है? पहले आपने क्लींजिंग की, डीप क्लीन लाइक मतलब टाइम ज्यादा दे रही है? मतलब इसमें टाइम भी ज्यादा होगा. पहले हमने, क्योंकि क्लींज जो होता है ना बेसिकली स्किन के अंदर जाता है. अच्छा, अब पहले जो क्लींज किया ना मैंने, जितनी डस्ट थी ऑयल था इसी में मैंने उठा लिया, मतलब बाहर निकल गया. अब मैं स्किन नीट हो गई है, अब क्लींज अंदर जाके अपना काम करेगा, उसको नीट करेगा अंदर से. अच्छा, इसके बाद क्या अप्लाई करेंगी क्लींजिंग के बाद? एक्सफोलिएटर. एक्सफोलिएटर वो किस लिए यूज होता है? वो एज ए स्क्रब. एज ए स्क्रब, तो स्क्रब इस्तेमाल नहीं कर रही है? एक ही चीज होती है. अच्छा, ये दोनों एक ही चीज है? अच्छा, सही सही सही. अच्छा, मतलब ये होता है कि स्किन को एक्सफोलिएट करता है, मतलब एक स्किन को एक्सफोलिएट करता है, मतलब एक लेयर्स को हटा देता है. तो स्क्रब का भी यही मतलब होता है, मतलब मिलता जुलता ही होता है. अच्छा, धूप में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि धूप आपको पता है कितने इफेक्ट कर रही है, फिर स्किन डल हो रही है, तो उसके लिए डेली रूटीन में हमें क्या करना चाहिए ताकि मैं भी इस चीज़ को अप्लाई करूं और जो हमारी दूसरी ख्वातीन घर बैठी हैं या जो बाहर जाती हैं लड़कियां, तो वो भी इस चीज़ को अप्लाई करें? अगर तो किसी को कोई सूट करता है कोई अच्छा सन ब्लॉक तो वो बहुत बेस्ट है. अगर कोई सन ब्लॉक यूज नहीं करता तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि रोज वाटर होता है, रोज वाटर की बॉटल तो अपने साथ ही रखनी चाहिए. बिल्कुल, रोज वाटर. अच्छा, वो स्प्रे बार बार करते रहना चाहिए. सही सही, वो सबसे बेस्ट है. हाँ, हमारी जो असांजी जेके छोकिरियूं आहिनि कॉलेज वेंदियूं आहिनि त उन्हनि जे लाइ बि सबिता रिकमेंड थी करे त उन्हनि खे डेली जेको आहे रोज़ वाटर अप्लाई करणु खपे, छो जे करे असांखे उस इफेक्ट कंदी आहे ऐं उस असांजे लाइ ज़रूरी बि आहे. लेकिन छोकिरियूं जेके आहिनि उहे इलाही घबराईंदियूं आहिनि त मुंहिंजी स्किन खे इफेक्ट न थिए, त उहे रोज़ वाटर बार बार अप्लाई करनि. ऐं सबिता ॿुधायो आहे त हाणे मां बि ज़रूरु अप्लाई कंदमि ताकि असां जीअं ख़ूबसूरत आहियूं ऐं ईअं ई रहियूं. ऐं छोकिरियूं जेके आहिनि उहे कॾहिं न चाहींदियूं आहिनि त उन्हनि जी स्किन डल थिए या हो मतलब फील न कंदियूं आहिनि त इन्हनि जी एज वॾी थी थिए या रिंकल्स या डार्क सर्कल्स थियनि. अच्छा सबिता, डार्क सर्कल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे छोटी एज में ही लड़कियां जो हैं पढ़ रही हैं और स्टडी कर रही हैं तो उस वजह से भी उनको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली वजह तो ये होती है कि ये भी देखना चाहिए कि किस वजह से हो रहे हैं. हो सकता है सम टाइम गर्ल्स ज़्यादा टाइम फ़ोन यूज़ करती हैं, कंप्यूटर यूज़ करने की वजह से भी अगर हो रहे हैं
तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जी नाज़रीन, डीप क्लींजिंग सभी था अप्लाई कई हुई हाँ वो रिमूव था करन तमाइन का यो भी पुछदम था जेके घर में खवातीन होंदू आइन उ अक्सर छा कंदियन कुछ भी अप्लाई करे आ फौरन कोई भी टॉलियो कोई भी कपड़ो खणी करे आ साफ कंदियो आइन त ये बिल्कुल न करन खपे छो जे करे नसा असा जी स्किन भी इफेक्ट थिंदी आए त सभी ता का पुछंदासे त सभी ता इनते छाती जे जी सभी ता ये मुझे बताएं के घर में जो खवातीन होती हैं वो कभी क्लींजिंग अप्लाई करती हैं या कभी कुछ तो वो जो है कहीं से भी कोई कपड़ा या कुछ भी उठा के अपना फेस उससे साफ करती हूँ कर लेती हैं तो इस पे आप क्या कहेंगी कि किस चीज से हमें रिमूव करना चाहिए? हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी पूरी बॉडी में से जो हमारा फेस होता है वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, उसपे किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कॉटन हम तो बहुत बेस्ट समझते हैं कि कॉटन बहुत बेस्ट चीज़ है क्योंकि ये एक डिस्पोजिबल चीज़ है, हम यूज़ करते हैं उसके बाद हम इसको फेंक देते हैं। तो और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट हाथ से इसको रिमूव करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी पार्लर्स में ऐसा होता है कि वो पफ यूज़ करती हैं और वो दूसरे दूसरे फेस पे भी अप्लाई कर रही होती तो वो सही नहीं होता, वो सही नहीं होती क्योंकि अगर एक एक्ने वाली स्किन आई है तो उस पर आपने फेशियल किया तो उसके बाद दूसरी स्किन आई है तो वो बहुत सेंसिटिव है तो फिर तो वो दूसरा क्लाइंट जो है उसकी स्किन पे रिएक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे होता है और मैंने तो काफ़ी पार्लर्स में ये चीज़ देखी है। तहाँ भी शे की घणो नोट कंदा कयो त जॾहिं असां कंहिं पार्लर ते वेंदा आहियूं त हो पहिरां खां जेको ॿिए क्लाइंट खे पफ इस्तेमालु करे ऐं असांजे फेस खे क्लींजिंग खां बाद रिमूव कंदियूं आहिनि त इहो इलाही ग़लति आहे ऐं ईअं न करणु खपे छो जे करे इन सां असांजी स्किन इफेक्ट थींदी आहे ऐं स्किन असांखे कोई डिज़ीज़ बि थी थो सघे। त तव्हां ॾिठो मिराकी सैलून में जेको आहे त इहा सुठी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे नज़र आई त हो जेको आहे कॉटन इस्तेमालु था करनि त इहो बेस्ट आहे ऐं तव्हां बि घर में या पार्लर में बि त कॉटन इस्तेमालु कयो। अच्छा सबिता, अब आप क्या कौन सा स्टेप है? ये आई थिंक थर्ड है ना जी। हाँ, तो इसमें क्या अप्लाई कर रही हैं? ये एक्सफोलिएटर है। अच्छा, ये स्क्रब अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, स्क्रब हम करते हैं 2-3 मिनट्स, ये ज्यादा टाइम के लिए हम इसके एप्लीकेशन ही। अच्छा, स्क्रब से ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं? जी, ये ब्लैक हेड्स पे ये ज्यादा काम करता है और इसको हम ज्यादा जो करते हैं हम टी जोन एरिया पे करते हैं। टी जोन एरिया में हमारा ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये आता है, मतलब चीक्स पे हम कम प्रेशर देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा हार्ड होता है, खाश होता है। जी सबिता, ये बताएं कि जो घर में लड़कियां होती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, वो फेशियल नहीं ले रही, उनको जो है ब्लैक हेड बहुत हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसा हर्बल, कोई ऐसी हर्बल टिप बताएं ताकि वो घर पे इस चीज़ को अप्लाई करें और ब्लैक हेड जो है वो उनको ना हो, तो कोई ऐसी टिप आप शेयर करें हमारे साथ? घर पे रहने वालों के लिए तो ये बेस्ट है कि हम अगर घर पे बेसन भी होता है, बेसन ले लें, उसमें थोड़ी सी मलाई डाल लें, उसमें शहद ऐड कर लें और वो एक बहुत अच्छा क्लेंजर बन जाता है। लेकिन ये क्लेंजर हम उस पर कर सकते हैं जिनकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के लिए ये क्लेंजर है। और ये क्लेंज करने के बाद अगर घर पे चावलों का आटा है तो उसकी हम अच्छा सा उसकी स्क्रबिंग कर सकते हैं क्योंकि वो स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा बेस्ट है। और जब स्क्रब करते हैं, स्क्रब करने से हमारे ब्लैकर्स रिमूव हो जाते हैं, तो उसके साथ हम टिश्यू के साथ भी ब्लैकर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आप कहेंगी तो मैं स्क्रब के बाद टिश्यू के साथ निकालने का भी तरीका बता दूंगी कि टिश्यू के साथ हम कैसे निकालते हैं। लेकिन ऐसे हम सैलून्स में तो टिश्यू के साथ नहीं निकालते क्योंकि हमारे पास पिन होती है, पिन। अच्छा, उससे फिर पेन भी होता है ना फिर? लेकिन हम बहुत सॉफ्ट हैंड से करते हैं जिससे निशान भी ना स्किन पे है। अच्छा। और इस तरह से हो जाए। और घर पे हम जिस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैकहेड्स निकालने के बाद मास्क लगाना बहुत जरूरी होता है, हम मास्क एज ए मास्क हम एलोवेरा को भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत बेस्ट है स्किन के लिए। हाँ, तो घर के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। और अच्छा नाज़रीन, ॾिसो तव्हांखे सभिता बि ॿुधायो त घर में जेके ख़वातीन आहिनि, जेके मानी पचाईंदियूं आहिनि, त मानी पचाइण सां गॾु गॾु बि उहो पंहिंजे स्किन जो ख़्यालु ईअं रखी थी सघनि।
जी नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त थर्ड स्टेप कंप्लीट थी वियो आहे ऐं ब्लैकहेड रिमूव करे रही आहे सबीता, लेकिन उन्हनि छोकिरियुनि खे मां ॿुधाईंदमि जेके पॉलर वञी करे ॾिढियूं आहिनि, ब्लैकहेड रिमूव न कराईंदियूं आहिनि, उन्हनि खे पेन थींदो आहे, त उन्हनि जे लाइ सबीता असांखे हिते हिकिड़ी सुठी टिप ॿुधाए रही आहे त घर में तव्हां ईज़ीली क्लींजिंग ऐं स्क्रब खां पोइ टिशू सां बि ब्लैकहेड रिमूव करे था सघो। ऐं असां ॾिसंदासीं हाणे त सबीता कीअं जेको आहे ब्लैकहेड रिमूव करे थी। जी सबीता, आप बताएं कि किस तरह से हम ब्लैकहेड घर पे टिशू से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को पेन होता है फिर वो पॉलर पे भी ब्लैकहेड रिमूव नहीं करवाती हैं। टिशू से हम इस तरह कर सकते हैं, टिशू का पीस लेके या अपने फिंगर पे यूँ इस तरह से लपेटना है, क्योंकि हमारा जो नेल्स है वो स्किन पे ना लगे, क्योंकि जब हमारा नेल स्किन पे लगता है तो हमारी स्किन जो है रिएक्ट हो जाती है। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट हैंड से करें और ये खुद ही निकल आता है इजीली। ये देखें टिश्यू से बिल्कुल इजीली और पेन भी नहीं हो रहा, पेन भी नहीं हो रहा। सही ऐं मिराकी सैलून जी एक्सपर्ट ब्लैकहेड रिमूव थी करे ऐं बिल्कुलु ईज़ीली ऐं पेन बि नथो थिए ऐं टिशू सां ऐं तरीक़ो बि तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदो हूंदो त कहिड़े तरह असांखे ईज़ीली पंहिंजे घर में बि ब्लैकहेड रिमूव करे था सघूं। टिशू खणणो आहे क्लींज़िंग खां पोइ या स्क्रब खां पोइ टिशू सां पंहिंजे फिंगर्स में नेल्स न लॻे तव्हांजी स्किन खे ऐं तव्हां ईज़ीली ब्लैकहेड बि रिमूव करे था सघो। ऐं अगरि तव्हां फेशियल ॿाहिरां नथा वठो त तव्हां हर्बल फेशियल भी घर में पाण अप्लाई था करे सघो। अगर तव्हांजी स्किन ते इलाही ब्लैकहेड आहिनि त तव्हां घर में ही पंहिंजा जेके फ्रूट्स इस्तेमालु कयो था या जेको आहे चांवरनि जो अटो असां हिन सीज़न में घणो इस्तेमालु कंदा आहियूं उन में तव्हां एलोवेरा ऐं माखी विझी करे बि अगरि पंहिंजे स्किन ते अप्लाई कंदव त उन सां बि तव्हांखे खोड़ सारो सुठो इफ़ेक्ट पवंदो। त सबीता जेको आहे फोर्थ स्टेप जेको आहे हाणे अप्लाई करे थी ऐं उहे छोकिरियूं जंहिंजो मेकअप स्टे नाहे कंदो त उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी सुठी टिप आहे त उहो घर में बर्फ़ सभिनि जे हूंदी आहे त मेकअप करण खां पहिरां अगरि कुझु देरि पंहिंजे फेस ते बर्फ़ तव्हां हणो उन खां बाद तव्हां मेकअप कयो त तव्हांजो मेकअप इलाही देरि स्टे कंदो ऐं बर्फ़ खे तव्हां एज़ अ प्राइमर बि यूज़ करे था सघो। ऐं असां सबीता खां पुछंदासीं त टोनर असांखे केतिरी देरि पंहिंजे फेस ते अप्लाई करणु खपे त सबीता इहे ॿुधाए के टोनर को हम कितनी देर अपने फेस पे रहने दें? 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और अपना काम करे। और इसी तरह से हम जब घर पे अगर होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम बर्फ का भी इसी तरह से 2-3 मिनट्स के लिए पूरे फेस पे एप्लीकेशन करते हैं। सही। अच्छा, अब आप क्या अप्लाई करेंगी? अब ये टोनर हमारे टाइम हो गया, हम इसको रिमूव करके टोनर रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर कौन सा फिफ्थ स्टेप हम जो है अप्लाई करेंगे? जी तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हिन वक़्तु असां जेकी एक्सपर्ट आहे उहा मसाज अप्लाई करे रही आहे। मसाज करण सां हिकु ॿियो बि फ़ाइदो हूंदो आहे त तव्हां जेको आहे तव्हांजो पेन बि रिलीफ़ थींदो आहे। अगरि तव्हांखे हेडेक आहे त तव्हां डेली मसाज बि वठी था सघो, उन सां तव्हांखे हिकु बि इहो बि फ़ाइदो आहे त तव्हां जेको माइंड आहे उहो बि फ्रेश थींदो आहे। ऐं असां सबीता खां बि पुछंदासीं त मसाज जो करण जो तरीक़ो छा आहे। अच्छा सबीता, इहे बताए कि मसाज हम लोग क्लींजिंग बि करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मसाज करने का बेसिक तरीका कौन सा है ताकि हमारा जो पेन है, हेडेक है, वो भी रिलीफ हो? सबसे पहले तो हमें प्रेशर पॉइंट का पता होना चाहिए कि प्रेशर पॉइंट कौन से है, और हमारी मसाज करते हुए पोजीशन जो है ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। जब हम मसाज करते हैं तो हम इसी डायरेक्शन में हमें करना चाहिए मसाज, इसलिए स्किन हमारी इससे टाइट होती है, क्योंकि हमारे हाथ से भी एक हीट निकलती है जिससे हमारी स्किन टाइट होती है। और हर किसी को शौक़ होता है कि हम जवान रहें। बिल्कुल, लड़कियों को तो ये बहुत शौक़ है ऐं ख़ासि तौर पर असांजी जेकी छोकिरियूं आहिनि उहे त कॾहिं बि उन चाहींदियूं आहिनि त उहो ओल्ड एज में वञनि त तव्हांखे फेशियल जेको आहे ज़रूरु वठणु खपे। ऐं हाणे तव्हां तरीक़ो बि ॾिसी रहिया आहियो त हिन तरीक़े सां असांखे मसाज वठणु खपे। त प्रेशर पॉइंट आपने बात की, प्रेशर पॉइंट की तो वो कौन सा पॉइंट है जिसको हम प्रेशर पॉइंट कह रहे हैं? प्रेशर पॉइंट्स हमारा सबसे पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा सबीता, ये बताएं कि मसाज हमें कितनी देर तक लेना चाहिए? फेशियल का मसाज 10 मिनट्स का।
मैक्सिमम 10 मिनट्स, अच्छा 10 मिनटनि ताईं मैक्सिमम असांखे मसाज वठणु खपे। जी नाज़रीन, लास्ट स्टेप सभिता अप्लाई करे रही आहे ऐं लास्ट में अप्लाई थींदो आहे मास्क। ऐं मास्क उन्हनि खां पुछंदासीं बि त केतिरी देरि असांखे मास्क अप्लाई करणु खपे ऐं हू कहिड़ो मास्क अप्लाई थी करे ऐं सभिता खां पुछूं था। अच्छा सभिता, इहे ॿुधाए की कितनी देरि हमें मास्क लॻाइणु चाहिए? 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनटनि ताईं असांखे मास्क हणणु खपे। अच्छा सभिता, मुझे ये भी बताएं कि दो किस्म के मास्क होते हैं, लाइक एक तो वॉशेबल मास्क होता है और दूसरा एज अ मास्क जो पूरे फेस का पिल ऑफ मास्क होता है, तो आप कौन सा वाला मास्क अप्लाई करते हैं? ये वॉश आउट है, ये इसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, तव्हां घर में भी पंहिंजो मास्क ठाहे था सघो ऐं उहो असां तव्हांखे बाद में ॿुधाईंदासीं त तव्हां कीअं मास्क ठाहियो ऐं सभिनि खां पहिरियां हाणे ॾिसंदासीं त सभिता जो मास्क अप्लाई करण जो तरीक़ो छा आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां मास्क अप्लाई करणु खपे। अच्छा सभिता, हमें ये भी बताएं कि किस तरह से हमें मास्क अप्लाई करना चाहिए। हमें मास्क से अप्लाई करने की डायरेक्शन है, बेस्ट वो यही है कि हमें पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, ब्रश के ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि हम नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ होनी चाहिए क्योंकि हम नीचे की तरफ जाते तो हमारी स्किन लूज होती है, तो इसी से हमारी स्किन टाइट होती है। क्योंकि हम फेशियल करते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं तो हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, जॾहिं बि तव्हां घर में बि मास्क अप्लाई कयो त तव्हांजी जेकी डायरेक्शन आहे उहा मथां जी तरफ़ हुजणु खपे। सिर्फ़ु मास्क न बल्कि तव्हां कहिड़ो बि प्रोडक्ट पंहिंजे स्किन ते अप्लाई था कयो, ख़ासितौर ते फेस ते, त तव्हांजी डायरेक्शन इन ई तरफ़ हुजणु खपे। 10 to 15 मिनटनि ताईं असांखे मास्क अप्लाई करणु खपे ऐं घर में बि तव्हां मास्क ईज़ीली अप्लाई करे था सघो। मास्क ई न बल्कि कोई बि प्रोडक्ट तव्हां पंहिंजी स्किन ते अप्लाई था कयो त उनजी जेकी डायरेक्शन आहे उहा मथां जी तरफ़ हुजणु खपे ऐं इन सां असांजी स्किन जेकी आहे ग्लोइंग बि थींदी आहे ऐं असांखे फेशियल जो हिकु सुठो रिज़ल्ट बि मिलंदो आहे। जी नाज़रीन, मास्क 10 to 15 मिनटनि खां थी विया आहिनि, बिल्कुलु ड्राई थी वियो आहे ऐं सभिता खां इहो बि पुछंदासीं त रिमूव करण जो तरीक़ो छा आहे, जीअं अप्लाई करण जो हिकिड़ो डिफरेंट तरीक़ो सभिता ॿुधायो त डेफिनेटली रिमूव करण जो बि हिकिड़ो न्यू ॿियो तरीक़ो हूंदो। अच्छा सभिता, इहे बताएं कि जैसे आपने बताया कि अप्लाई करने का एक डिफरेंट तरीक़ा होता है मास्क, तो क्या मास्क रिमूव करने का भी कोई तरीक़ा होता है? मास्क जब हम टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर मास्क हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है तो हमें थोड़ा सा पानी लेके थोड़ा सा उसको गीला करना, वेट करना है थोड़ा सा, तो उसके बाद हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करते वक्त भी हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वही ऊपर की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए क्योंकि स्किन को हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से और ऊपर की तरफ इसको हमें नीट करना है। अच्छा, जब अप्लाई कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए एंड देन रिमूव करने में भी सेम डायरेक्शन। अच्छा, जीअं तव्हां अप्लाई था कयो सेम उन ही तरीक़े सां उहा ई डायरेक्शन में तव्हां मास्क खे रिमूव करण जो तरीक़ो इहो ई बहितर तरीक़ो आहे त तव्हां उनखे उन ही डायरेक्शन में रिमूव कयो जीअं उनखे अप्लाई कयो ऐं फेशियल ऑलमोस्ट बिल्कुलु कंप्लीट थी चुको आहे ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर असां सभिता खां इहो बि पुछंदासीं त हुननि फर्स्ट में छा अप्लाई कयो ऐं पूरो फेशियल जो हुननि खां हिकु दफ़ो ॿीहर तरीक़ो पुछंदासीं ताकि जिन असांखे हाणे जॉइन कयो आहे या जेके असांखे जिन खां मिस थी वियो आहे उन्हनि खे बिल्कुलु प्रॉपर तरीक़े सां फेशियल करण जो तरीक़ो अची वञे। अच्छा सभिता, इहे बताएं कि फर्स्ट में आपने फेशियल जब स्टार्ट किया तो आपने क्या अप्लाई किया? सबसे पहले फेशियल करने से पहले हम मेकअप रिमूवर यूज़ करते हैं, मेकअप क्योंकि जी कुछ भी फेस पे फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाया हुआ हो तो वो हमारा रिमूव हो जाए। अच्छा नाज़रीन, ऑलमोस्ट असांजो फेशियल कंप्लीट थी चुको आहे ऐं तव्हां बिल्कुलु ॾिसंदा बि हूंदव त केॾो बिफोर ऐं यूज़ फेशियल करण खां पहिरियां हुननि जी स्किन कीअं हुई ऐं आफ्टर डेट हाणे हुननि जी स्किन केॾी ग्लोइंग थी वई आहे, हिकु ग्लो अची वियो आहे, जेकी हिकु थकावट हुई उहा जेको आहे त रिलीफ थी वई आहे, त इहो ई हिकु फेशियल जो हिकु बेनिफिट हूंदो आहे त तव्हां बिल्कुलु न्यू थी वेंदा आहियो ऐं तव्हां बिल्कुलु रिलेक्स फील कंदा आहियो। ऐं हिकु दफ़ा ॿीहर असां सभिता खां इहो बि पुछंदासीं त हुननि स्टार्टिंग खां वठी करे छा अप्लाई कयो ताकी जिन खां मिस थी वियो आहे उन्हनि खे ख़बर पइजी वञे त फेशियल में घणा स्टेप हूंदा आहिनि ऐं छा असां फेशियल में यूज़ कंदा आहियूं। अच्छा सभिता, इहे ॿुधाएं कि सबसे पहले आपने फेशियल में क्या यूज़ किया? सबसे पहले हमने मेकअप रिमूवर यूज़ किया है क्योंकि जो मेकअप की आवाज़ है वो स्किन से हट जाए प्रॉपरली, तो उसके बाद क्लिनज़र 10 to 15 मिनट्स के लिए क्लिनज़र के बाद स्क्रब,
स्क्रब करने के बाद हमने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव किए हैं। उसके बाद टोनर लगा के 2-3 मिनट्स के लिए हमने स्किन को छोड़ दिया, क्योंकि टोनर स्किन में पेनिट्रेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद टोनर रिमूव करके उसके बाद मसाज रिलैक्स करने के लिए मसाज बहुत बेस्ट है। मसाज के बाद हमने मास्क एप्लीकेशन किया है, तो मास्क भी हमने 10-15 मिनट्स रखा है। उसके बाद हम अभी लास्ट में हम SPF करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम 3-4 घंटे के लिए स्किन के ऊपर कुछ भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, तहां डिठो त फेशियल कीअं अप्लाई थियो ऐं असां अॼु मौजूदु हुयासीं मिराकी सैलून ते, जिते असां फेशियल करण जो तरीक़ो बि ॾिठोसीं ऐं सिखियोसीं बि, ऐं यकीननि तव्हां बि घणो कुझु सिखियो हूंदो। छो जे करे मां बि अॼु घणी तव्हां सां बि नॉलेज शेयर कई ऐं असांजी एक्सपर्ट बि तव्हां सां खोड़ सारियूं ब्यूटी टिप्स शेयर कयूं, मूंखे बि नॉलेज मिली ऐं यकीननि तव्हांखे बि ॾाढो इंजॉय मिलियो हूंदो। इंशाल्लाह वरी हिकु नए प्रोग्राम सां गॾु, हिकु नए सेगमेंट सां गॾु तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, ऐं तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त थर्ड स्टेप कंप्लीट थी वियो आहे ऐं ब्लैक हेड रिमूव करे रही आहे सबीता। लेकिन उन्हनि छोकिरियुनि खे मां ॿुधाईंदमि जेके पॉलर वञी करे ॾिढियूं आहिनि, ब्लैक हेड रिमूव न कराईंदियूं आहिनि, उन्हनि खे पेन थींदो आहे, त उन्हनि जे लाइ सबीता असांखे हिते हिकिड़ी सुठी टिप ॿुधाए रही आहे त घर में तव्हां ईज़ीली क्लींजिंग ऐं स्क्रब खां पोइ टिशू सां बि ब्लैक हेड रिमूव करे था सघो। ऐं असां ॾिसंदासीं हाणे त सबीता कीअं जेको आहे ब्लैक हेड रिमूव करे थी। जी सबीता, आप बताएं कि किस तरह से हम ब्लैक हेड घर पे टिशू से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को पेन होता है, फिर वो पॉलर पे भी ब्लैक हेड रिमूव नहीं करवाती हैं। टिशू से हम इस तरह कर सकते हैं, टिशू का पीस लेके या अपने फिंगर पे यूं इस तरह से लपेटना है, क्योंकि हमारा जो नेल्स है वो स्किन पे ना लगे, क्योंकि जब हमारा नेल स्किन पे लगता है तो हमारी स्किन जो है रिएक्ट हो जाती है। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट हैंड से करें और ये खुद ही निकल आता है इजीली। ये देखें टिश्यू से बिल्कुल इजीली और पेन भी नहीं हो रहा, पेन भी नहीं हो रहा। सही। ऐं मिराकी सैलून जी एक्सपर्ट ब्लैक हेड रिमूव थी करे ऐं बिल्कुलु ईज़ीली ऐं पेन बि नथो थिए ऐं टिशू सां ऐं उहो तरीक़ो बि तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदो हूंदो त कहिड़े तरह असांखे ईज़ीली पंहिंजे घर में बि ब्लैक हेड रिमूव करे था सघूं। टिशू खणणो आहे क्लींजिंग खां पोइ या स्क्रब खां पोइ, टिशू सां पंहिंजे फिंगर्स में नेल्स न लॻे तव्हांजी स्किन खे, ऐं तव्हां ईज़ीली ब्लैक हेड बि रिमूव करे था सघो। ऐं अगरि तव्हां फेशियल ॿाहिरां नथा वठो त तव्हां हर्बल फेशियल भी घर में पाण अप्लाई था करे सघो। अगर तव्हांजी स्किन ते इलाही ब्लैक हेड आहिनि त तव्हां घर में ही पंहिंजा जेके फ्रूट्स इस्तेमालु कयो था, या जेको आहे चांवरनि जो अटो असां हिन सीज़न में घणो इस्तेमालु कंदा आहियूं, उन में तव्हां एलोवेरा ऐं माखी विझी करे बि अगरि पंहिंजे स्किन ते अप्लाई कंदव त उन सां बि तव्हांखे खोड़ सारो सुठो इफ़ेक्ट पवंदो। त सबीता जेको आहे फोर्थ स्टेप जेको आहे हाणे अप्लाई करे थी, ऐं उहे छोकिरियूं जंहिंजो मेकअप स्टे नाहे कंदो त उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी सुठी टिप आहे त उहो घर में बर्फ़ सभिनि जी हूंदी आहे त मेकअप करण खां पहिरां अगरि कुझु देरि पंहिंजे फेस ते बर्फ़ जो बर्फ़ तव्हां हणो, उन खां बाद तव्हां मेकअप कयो त तव्हांजो मेकअप इलाही देरि स्टे कंदो ऐं बर्फ़ खे तव्हां एज़ अ प्राइमर बि यूज़ करे था सघो। ऐं असां सबीता खां पुछंदासीं त टोनर असांखे केतिरी देरि पंहिंजे फेस ते अप्लाई करणु खपे, त सबीता इहे ॿुधाए के टोनर को हम कितनी देर अपने फेस पे रहने दें? 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और अपना काम करे। और इसी तरह से हम जब घर पे अगर होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम बर्फ का भी इसी तरह से 2-3 मिनट्स के लिए पूरे फेस पे एप्लीकेशन करते हैं। सही। अच्छा, अब आप क्या अप्लाई करेंगी?
अब ये टोनर हमारे टाइम हो गए, हम इसको रिमूव करके टोनर रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर कौन सा फिफ्थ स्टेप हम जो है अप्लाई करेंगे। जी तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हिन वक़्तु असांजो जेकी एक्सपर्ट आहे उहा मसाज अप्लाई करे रही आहे। मसाज करण सां हिकु ॿियो बि फ़ाइदो हूंदो आहे त तव्हां जेको आहे तव्हांजो पेन बि रिलीफ़ थींदो आहे। अगरि तव्हांखे हेडेक आहे त तव्हां डेली मसाज बि वठी था सघो। उन सां तव्हांखे हिकु इहो बि फ़ाइदो आहे त तव्हां जेको माइंड आहे उहो बि फ्रेश थींदो आहे। ऐं असां सबिता खां बि पुछंदासीं त मसाज जो करण जो तरीक़ो छा आहे। अच्छा सबिता, इहे बताएं कि मसाज हम लोग क्लींज़िंग बि करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मसाज करने का बेसिक तरीका कौन सा है ताकि हमारा जो पेन है, हेडेक है, वो भी रिलीफ हो। सबसे पहले तो हमें प्रेशर पॉइंट का पता होना चाहिए कि प्रेशर पॉइंट कौन से है, और हमारी मसाज करते वक्त पोजीशन जो है ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। जब हम मसाज करते हैं तो हम इसी डायरेक्शन में हमें करना चाहिए मसाज, इसलिए स्किन हमारी इससे टाइट होती है, क्योंकि हमारे हाथ से भी एक हीट निकलती है जिससे हमारी स्किन टाइट होती है। और हर किसी को शौक़ होता है कि हम जवान रहें। बिल्कुल, लड़कियों को तो ये बहुत शौक़ है, ऐं ख़ासि तौर पर असांजी जेके छोकिरियूं आहिनि उहे त कॾहिं बि उन चाहींदियूं आहिनि त हो ओल्ड एज में वञनि। त तव्हांखे फेशियल जेको आहे ज़रूरु वठणु खपे। ऐं हाणे तव्हां तरीक़ो बि ॾिसी रहिया आहियो त हिन तरीक़े सां असांखे मसाज वठणु खपे। त प्रेशर पॉइंट आपने बात की, प्रेशर पॉइंट की तो वो कौन सा पॉइंट है जिसको हम प्रेशर पॉइंट कह रहे हैं? प्रेशर पॉइंट्स हमारा सबसे पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा सबिता, ये बताएं कि मसाज हमें कितनी देर तक लेना चाहिए? फेशियल का मसाज 10 मिनट्स का मैक्सिमम, 10 मिनट्स। अच्छा 10 मिनटनि ताईं मैक्सिमम असांखे मसाज वठणु खपे। जी नाज़रीन, लास्ट स्टेप सबिता अप्लाई करे रही आहे, ऐं लास्ट में अप्लाई थींदो आहे मास्क। ऐं मास्क उन्हनि खां पुछंदासीं बि त केतिरी देरि असांखे मास्क अप्लाई करणु खपे, ऐं हू कहिड़ो मास्क अप्लाई थी करे, ऐं सबिता खां पुछूं था। अच्छा सबिता, इहे बताएं कि कितनी देरि हमें मास्क लॻाइणु चाहिए? 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स ताईं असांखे मास्क हणणु खपे। अच्छा सबिता, मुझे ये भी बताएं कि दो किस्म के मास्क होते हैं, लाइक एक तो वॉशेबल मास्क होता है और दूसरा एज अ मास्क जो पूरे फेस का पिल ऑफ मास्क होता है, तो आप कौन सा वाला मास्क अप्लाई करते हैं? वॉश आउट है ये, इसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, तव्हां घर में भी पंहिंजो मास्क ठाहे था सघो, ऐं उहो असां तव्हांखे बाद में ॿुधाईंदासीं त तव्हां कीअं मास्क ठाहियो। ऐं सभिनि खां पहिरियां हाणे ॾिसंदासीं त सबिता जो मास्क अप्लाई करण जो तरीक़ो छा आहे, ऐं कहिड़े तरीक़े सां मास्क अप्लाई करणु खपे। अच्छा सबिता, हमें ये भी बताएं कि किस तरह से हमें मास्क अप्लाई करना चाहिए? मास्क से अप्लाई करने की डायरेक्शन है बेस्ट, वो यही है कि हमें पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, ब्रश के ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि हम नीचे की तरफ करते हैं ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी स्किन लूज होती है, तो इसी से हमारी स्किन टाइट होती है, क्योंकि हम फेशियल करते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, जॾहिं बि तव्हां घर में बि मास्क अप्लाई कयो त तव्हांजी जेकी डायरेक्शन आहे उहा मथां जी तरफ़ हुजणु खपे। सिर्फ़ु मास्क न बल्कि तव्हां कहिड़ो बि प्रोडक्ट पंहिंजे स्किन ते अप्लाई था कयो, ख़ासि तौर ते फेस ते, त तव्हांजी डायरेक्शन इन ई तरफ़ हुजणु खपे। 10 to 15 मिनटनि ताईं असांखे मास्क अप्लाई करणु खपे, ऐं घर में बि तव्हां मास्क ईज़ीली अप्लाई करे था सघो। मास्क ई न बल्कि कोई बि प्रोडक्ट तव्हां पंहिंजी स्किन ते अप्लाई था कयो त उनजी जेकी डायरेक्शन आहे उहा मथां जी तरफ़ हुजणु खपे, ऐं इन सां असांजी स्किन जेकी आहे ग्लोइंग बि थींदी आहे, ऐं असांखे फेशियल जो हिकु सुठो रिज़ल्ट बि मिलंदो आहे। जी नाज़रीन, मास्क 10 to 15 मिनटनि खां थी विया आहिनि, बिल्कुलु ड्राई थी वियो आहे, ऐं सबिता खां इहो बि पुछंदासीं त रिमूव करण जो तरीक़ो छा आहे, जीअं अप्लाई करण जो हिकिड़ो डिफरेंट तरीक़ो सबिता ॿुधायो। त डेफिनेटली रिमूव करण जो बि हिकिड़ो न्यू ॿियो तरीक़ो हूंदो। अच्छा सबिता, इहे बताएं कि जैसे आपने बताया कि अप्लाई करने का एक डिफरेंट तरीक़ा होता है मास्क, तो क्या मास्क रिमूव करने का भी कोई तरीक़ा होता है? मास्क जब हम टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर मास्क हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है तो हमें थोड़ा सा पानी लेके थोड़ा सा उसको गीला करना, वेट करना थोड़ा सा। तो उसके बाद हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करते वक्त भी हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वही ऊपर की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि स्किन को हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से और ऊपर की तरफ इसको
हमें नीट करना है। अच्छा, जब अप्लाई कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए एंड देन रिमूव करने में भी सेम डायरेक्शन। अच्छा, जी तहां अप्लाई था कयो सेम उन ही तरीके से वह ही डायरेक्शन में तहां मास्क के रिमूव करने जो तरीको यो ही बेहतर तरीको है तो तहां उनके उन ही डायरेक्शन में रिमूव कयो जी उनके अप्लाई कयो। फेशियल ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट थी चुको है। एक दफो बीहर असा सबीता का यो पुछंदासे तो उन फर्स्ट में अप्लाई किया पूरा फेशियल जो उन्होंने एक दफो बीहर तरीको पुछंदासे ताकि जिन असा के हाँ ज्वाइन किया है या जी असा के जिन का मिस थी वो है उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फेशियल करण जो तरीको अची वे। अच्छा सबीता, ये बताएं कि फर्स्ट में आपने फेशियल जब स्टार्ट किया तो आपने क्या अप्लाई किया? सबसे पहले फेशियल करने से पहले हम मेकअप रिमूवर यूज़ करते हैं, मेकअप क्योंकि जी कुछ भी फेस पे फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाया हुआ हो तो वो हमारा रिमूव हो जाए। अच्छा नाजरीन, ऑलमोस्ट असो फेशियल कंप्लीट थी चुको है तहां बिल्कुल दिसंदा भी हूँ तो केडो बिफोर यूज़ फेशियल करण का पैर उनकी स्किन किए हुई आफ्टर डेट हाँ उनकी स्किन केडी ग्लोइंग थी वही है, एक ग्लो अची वो है, जी थकावट हुई वहाँ है रिलीफ थी वही है। तो यो एक फेशियल जो एक बेनिफिट हों तुम बिल्कुल न्यू थी वो तुम बिल्कुल रिलैक्स फील कह। एक दफा बीहर अस सबीता का यो भी पुछंदे तो उन स्टार्टिंग वही कर अप्लाई कर ताकि जिन का मिस थी वो है उनके खबर पी वे तो फेशियल में घना स्टेप हूँ असा फेशियल में यूज करना है। अच्छा सबीता, ये बताएं कि सबसे पहले आपने फेशियल में क्या यूज़ किया? सबसे पहले हमने मेकअप रिमूवर यूज़ किया है क्योंकि जो मेकअप किया हुआ है वो स्किन से हट जाए प्रॉपरली। तो उसके बाद क्लिनजर 10-15 मिनट्स के लिए क्लिनजर के बाद स्क्रब, स्क्रब करने के बाद हमने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव किए हैं। उसके बाद टोनर लगा के 2-3 मिनट्स के लिए हमने स्किन को छोड़ दिया क्योंकि टोनर स्किन में पेनिट्रेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद टोनर रिमूव करके उसके बाद मसाज रिलैक्स करने के लिए मसाज बहुत बेस्ट है। मसाज के बाद हमने मास्क एप्लीकेशन किया है तो मास्क भी हमने 10-15 मिनट्स रखा है। उसके बाद हम अभी लास्ट में हम SPF करेंगे क्योंकि उसके बाद हम 3-4 घंटे के लिए स्किन के ऊपर कुछ भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जी नाजरीन, तहां डिठो त फेशियल कियां अप्लाई थियो असां जो मौजूद हुआ से मिराकी सैलून ते जिते असां फेशियल करण जो तरीको भी डिठो से सिखियो से भी यकीनन तहां भी घणो कुछ सिखियो हुंदो छो जे करे मां भी अज घणी तहां सा भी नॉलेज शेयर कई असां जी एक्सपर्ट भी तहां सा खोड़ सारी ब्यूटी टिप्स शेयर कयूं मुखे भी नॉलेज मिली यकीनन तहां के भी डाढो एंजॉय मिलियो हुंदो। इंशाल्लाह वरी एक नए प्रोग्राम सा गड एक नए सेगमेंट से गड तहां सा मुलाकात थींदी तेस ताईं मुखे दींदा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।